बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ सोमनाथ एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर गए, इसके बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक सोमनाथ एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर आ रही थी। मेन स्टेशन के नजदीक ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली थी कि इसके दो डिब्बे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाते हुए दो डिब्बे इसके बेपटरी हुए थे। यह सूचना प्राप्त हुई थी, तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे के कर्मचारी अधिकारी एवं कर्मचारी यहां पर सबको इकट्ठा है, एवं क्योंकि ट्रेन डेड स्टॉप स्पीड पर थी तो किसी भी यात्री को कोई भी हानि नहीं पहुँची है। सभी सुरक्षित घर पर हैं एवं अब इस मामले की जाँच की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। खनिज विभाग के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो अवैध खनन रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराने के लिए एम सैंड को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। सीएम ने हर जिले में एम सैंड और रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अवैध खनन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश। खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी सीएम की। सीएम ने इस बैठक में अधिकारियों से कहा कि वो अवैध खनन रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराने के लिए एम सैंड को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने हर जिले में एम सैंड और रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट बनाए जाने के निर्देश दिए। तो अवैध खनन को रोकने के लिए सीएम की ये सख्ती, जहां एआई का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इसके अलावा एम सैंड को प्रोत्साहित किया जाए। गणेश चतुर्थी के दिन इंदौर कलेक्टर ने खजराना गणेश मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर खजराना मंदिर का भी विस्तार किया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां की सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति जल्द पूरी रिपोर्ट पर एक फैसला लेगी। तो महाकाल लोक की तर्ज पर ही इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में विस्तार किया जाएगा सुविधाओं को देखते हुए। बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों की जो तैयारियां रहती हैं उनकी समीक्षा भी करी गई थी। विभिन्न विभागों से जो हम लोगों को कार्रवाइयां अपेक्षित थी उस संबंध में निर्देश भी प्रदान किए गए थे। वो सारी तैयारियां भी हमारी पूर्ण हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक मंदिर के विस्तारीकरण का और इसकी भव्यता को बढ़ाने का और साथ में श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा। अक्सर इस मंदिर में लोग, आम लोग, एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी मनोकामना की अर्जी लगाने आते रहते हैं। क्रिकेट और फिल्म जगत के बड़े बड़े सेलेब्स भी अपनी मनोकामना लेकर खजराना मंदिर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां आने से क्रिकेटर्स का सिलेक्शन होता है, जिसकी वजह से इन्हें सुपर सिलेक्ट भी कहा जाता है। यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। का त्यौहार आज देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम खजराना गणेश मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले आप खजराना गणेश के दर्शन कराते हैं। खजराना गणेश का बाल स्वरूप में श्रृंगार किया गया है, मनमोहक श्रृंगार है और लगभग 3 करोड़ रुपए के स्वर्ण आभूषण से खजराना गणेश का श्रृंगार किया गया है। सोने की मुकुट जो है वो भगवान गणेश को पहनाई गई है और 1,25,000 मोदक का भगवान गणेश को भोग चढ़ाया गया है। और ये तस्वीर देखिए आप, खजराना गणेश मंदिर में तो पूरी तरीके से विदेशी फूलों से सजाया गया है। सुबह से मंदिर में भक्तों की लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। प्रशासन का अनुमान लगभग 5,00,000 श्रद्धालु आज खजराना गणेश के दर्शन कर सकते हैं। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन हमेशा खजराना गणेश की फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। बड़ी आस्था है अमिताभ बच्चन की खजराना गणेश मंदिर में और सारा कल्याण फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इंदौर आती है और भगवान गणेश के दर्शन जरूर करती हैं। और मंदिर से जुड़ी हुई कई मान्यता है और खजराना गणेश भगवान को
सुपर सेलेक्टर भी कहा जाता है। क्रिकेट जगत से जुड़ी भी कई हस्तियां, ऐसे कई क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जब वो भारतीय टीम में उनका चयन नहीं हो पा रहा था, जब वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर खजाना गणेश के दर्शन किए, यहाँ पर अर्जी लगाई और उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए इन्हें सुपर सेलेक्टर भी कहा जाता है। आम हो या खास, राजनेता या अभिनेता, यहाँ सभी लोग आकर भगवान गणेश के दरबार में अर्जी लगाते हैं और मंदिर से जुड़ी हुई ऐसे कई मान्यताएं भी हैं। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप।